गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एमओटी डायग्राम ऑफ B2 डाइऑटोमी मॉलिक्यूल। आज हम इसका एमओटी डायग्राम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनएपी के लिए है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एमओटी डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनएपी, केमिकल बॉन्डिंग 2 से है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये 5 मार्क्स का आएगा इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते देखिए कैसे निकालना है हमें। नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम लिख लेंगे B2 मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बोरॉन एटम्स ईच, बोरॉन एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये लिख दिया कि B2 मॉलिक्यूल कैसे मिलके बना है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन B2 मॉलिक्यूल 5 + 5 = 10 इलेक्ट्रॉन है। देन थर्ड पॉइंट हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, डायऑटोमी मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों एटम सेम है, तो ये है होमो न्यूक्लियर डायऑटोमिक मॉलिक्यूल। जब भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें px की एनर्जी हाई होती है py = pz से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो जाएंगे py और pz में, देन जाएंगे px में। फोर्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपको आ गया तो एमओटी डायग्राम भी बना लोगे एंड बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लोगे। तो होमो न्यूक्लियर में क्या होता है, पीएक्स की एनर्जी हाई होती है पीवाई पीजेड से, और हिट्रो में जो होता है पीएक्स की एनर्जी कम हो जाती है पीवाई पीजेड से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पीवाई और पीएक्स में जाएंगे हिट्रो में, देन पीवाई पीजेड में जाएंगे होमो में, सबसे पहले पीएक्स में। तो देखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं, सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन इसकी एनर्जी ज्यादा है, पहले इसमें जाएगा पाई 2py2 1 पाई 2pz1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, इनके एनर्जी इक्वल है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। देन सिग्मा 2px0, देन पाई स्टार 2py0 = πstar 2pz0, देन सिग्मा स्टार 2px0। तो हमने इसको सबको फिलअप कर लिया है, इसी को हमें अरेंजमेंट करके हिसाब से लगाना है, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा एमओटी डायग्राम आ जाएगा। तो इसका हो गया टोटल 10 हो गए। अब देखिए
नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिफ्थ पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 एन बी माइनस एन ए। ये डेफिनेशन भी आएगी इसकी। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिखोगे, 1/2 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए एन बी जिसके ऊपर स्टार नहीं है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जिसके ऊपर स्टार नहीं है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर स्टार है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 4, 5, 6 एन बी आ गया 6, एन ए 2 and 4, ऐड करके 10 आना चाहिए, 6 and 4 10। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 6 minus 4 देन 1/2 6 minus 4 आ गया 2, 1 से डिवाइड कर दोगे तो 2 1.0। बॉन्ड ऑर्डर B2 का आ गया 1.0, 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट देखिए, 6 में आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। जब भी किसी भी एटम में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो या ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 यहां पर आ रहा है, 1 यहां पर आ रहा है, क्योंकि ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहां 1 1 है तो 1 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड, स्मॉल एन आ गया 2। 7 पॉइंट, मैग्नेटिक नेचर ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। लास्ट पॉइंट इसमें हमारा एमओटी डायग्राम आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एमओटी डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए 8 पॉइंट एमओटी डायग्राम, जो हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी आया है इसी को अरेंजमेंट करेंगे हम, एडजस्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से, तो एमओटी डायग्राम बन जाएगा। आठवां पॉइंट एमओटी डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, देखिए इसका बना रहे हैं हम। यहां पर आ जाएगा बी एटम, यहां पर भी आ जाएगा बी एटम, ये बन जाएगा B2 मॉलिक्यूल। अब देखिए सबसे पहले हमें चाहिए, बी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 देन 2p1, इसमें इलेक्ट्रॉन शो कर लो 2 इलेक्ट्रॉन देन इसके पी में px py pz ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके लिए देखो 1s2 2s2 2p1 px py pz इलेक्ट्रॉन 2 2 1, ये हो गया। अब इसके ईच ऑर्बिटल के 2 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड 1 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो देखिए
वन इलेक्ट्रॉन यहां से, वन इलेक्ट्रॉन यहां से, टू, ये बन गया सिग्मा वन एस टू, देन वन यहां से, वन यहां से, सिग्मा टू एस टू। हमें इसको अरेंज करना है यहां से लेके यहां तक ले जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। देन ये तो बन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सिग्मा वन एस टू एंड सिग्मा स्टार वन एस टू, फोर इलेक्ट्रॉन हो गए। देन टू एस के लिए देख रहे हैं, सिग्मा टू एस टू एंड सिग्मा स्टार टू एस टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देन इसमें देखिए पी एक्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो सबसे पहले पी वाई पी जेड में आएगा, टू वन टू वन। ये है टोटल टू इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर आ जाएगा पाई टू पी वाई वन पाई टू पी जेड वन, वन वन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यहां सिग्मा टू पी एक्स जीरो, यहां पाई स्टार टू पी वाई जीरो पाई स्टार टू पी जेड जीरो एंड सिग्मा स्टार टू पी एक्स जीरो। ये इसका एमओटी डायग्राम हो गया। देखिए जैसे सबने वहां लिखा है सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, देन पाई टू पी वाई वन पाई टू पी वाई वन इज इक्वल टू पाई टू पी जेड वन, देन सिग्मा टू पी एक्स जीरो, देन पाई स्टार टू पी वाई जीरो इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड जीरो, देन सिग्मा स्टार टू पी एक्स जीरो। ये एमओटी डायग्राम हो गया। एक पॉइंट में 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमने सिखा दिया। इसमें जो भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे सबके स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, एमओटीवीसी से बन रहा है, देन बॉन्ड ऑर्डर भी इससे निकल रहा है। लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है F2 और O2 का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हिटेरो से बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।